रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने पर इनको। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। तो मन से उतारा सब मर्यादा के विरुद्ध किया होगा तो उतारा होगा। आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा, क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? कि मेरी कथा चल रही थी वेद स्तुति में गंभीर विषय पर, और उस लड़के का स्वभाव है किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना, इससे मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है। महाराज जी, एक वीडियो आज वायरल हो रहा है आपका, जिसमें अभिनव अरोड़ा को आपने मन से उतार दिया था, क्या प्रकार? क्यों मन से उतारा था? मर्यादा के विरुद्ध किया होगा तो उतारा होगा। वही क्या था पूरा मामला, अगर स्मृति में हो तो? ये बिना कारण आप लोग पूछते हैं। बात ऐसी है कि मेरी कथा चल रही थी वेद स्तुति में गंभीर विषय पर, और उस लड़के का स्वभाव है किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना, इससे मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है। पर उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। अब उसका बयान आ रहा है, वो कह रहा है उसको धमकियां मिल रही हैं, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं घर से निकलोगे मार देंगे। वो जाने दूसरे लोग जाए, हम नहीं जानते। अच्छा, ये जो इस तरह के जो आज की डेट में लोग कथाएं कर रहे हैं, धार्मिक कथाएं कर रहे हैं, ये कितना सही मानते हैं आप, जो बच्चे हैं या तमाम? अच्छा नहीं मानते, पढ़ के लिए तब कथा करें तो कहीं ना कहीं इससे सनातन नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए इन लोगों को? पढ़ना चाहिए। महाराज जी, अभी योगी जी ने एक बयान दिया है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, उसको आरएसएस ने भी समर्थन दिया है। हाँ, सही क्या कैसा मानते हैं आप? बिल्कुल सही कहते हैं। क्या करना चाहिए हिंदुओं को? हिंदू को एक रहना चाहिए, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। कई सारे राज्य हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की स्थिति में है, उसके बावजूद उन्हें जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया मिलता है, उसका लाभ मिलता है, गलत। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक शंकराचार्य जी ने अभी पूरी में बयान दिया कि ओबीसी लोगों को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी बात अपने वक्तव्य पर टिप्पणी करूंगा उनकी नहीं। महाराज जी, समाज में जिस तरीके से खुलापन हो रहा है और परिवार कहीं एकाकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अपने परिवार को सही संस्कार नहीं दे पा रहे, क्या कारण बनता जा रहा है जो इस तरीके? क्योंकि धर्म को लोग समझ नहीं पा रहे हैं बेटा। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।